हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंग इज किंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है, आज का जो व्लॉग है, एक ही रेस्टोरेंट विजिट व्लॉग है। तो देखिए हम आए हैं विलियम्स जोन्स पिज़्ज़ा। हम गाड़ी से उतर गए हैं, ये अक्षज पहले ही जा रहा है रेस्टोरेंट के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है, मीन्स के बहुत क्लीन है सब। बच्चे बहुत टाइम के बाद बाहर निकले हैं तो बहुत खुश हैं, क्योंकि हम जब से कोविड है आया है तब से हम विलियम जोन्स पिज़्ज़ा अब जा रहे हैं। तब के बाद जी अभी कोविड गया नहीं है, लेकिन हम पूरे प्रिकॉशंस रखा हुआ है। ये देखिए इसकी डेकोरेशन, देखिए इस रेस्टोरेंट के अंदर का इंटीरियर देखिए आप। हम लोगों ने स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ जो फूड है वो अनलिमिटेड फूड हमने ऑर्डर किया है, मतलब एक दो एडल्ट का और एक बच्चे का। अब सेल्फी तो बनती है, कहीं बाहर आए तो सेल्फी तो ज़रूरी हो गई है, तो हम यहाँ फ़ोटो खींच रहे हैं। थोड़ा फ़ोटो सेशन हो गया हमारा यहाँ। हमने यहाँ जो इस रेस्टोरेंट में आपको अनलिमिटेड फूड बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। हमने सैलेड खाया है, अब सैलेड के बाद देखो पिज़्ज़ा आ रहा है। पिज़्ज़ा भी चार टाइप का होता है, तो अभी कौन सा वाला है पता नहीं। फ्रेंच फ्राइज़ भी अनलिमिटेड है, तो हमारे अक्षर जी ने अभी ने तो सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ ही खाई थी। क्लीन है सब, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, हम लोग इसीलिए आते हैं। नहीं तो हमारे इधर साइड इस एरिया में बहुत सारे अनलिमिटेड पिज़्ज़ा स्टोर हैं, बट हम जनरली विलियम्स जोन्स पिज़्ज़ा में ही जाते हैं। यहाँ आपको काफ़ी कुछ वैरायटीज़ मिलती हैं, पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड, फ्रेंच फ्राइज, सूप मिलते हैं। देखिए ये सूप है, ये मंचाउ सूप है। देखिए गार्लिक ब्रेड, पिज़्ज़ा स्लाइस रखा हुआ है, ये फ्रेंच फ्राइज़ हैं, फ्रेंच फ्राइज के साथ हाँ कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है यहाँ। कोल्ड ड्रिंक भी अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है आपको। ये प्लेट है, मेरी प्लेट है, ये मैं खा रही हूँ और साथ में व्लॉग भी बना रही हूँ। देखिए कितना यमी दिख रहा है ये सब खाना, और सच में बहुत यमी है यहाँ का खाना, टेस्ट भी बहुत अच्छा है और सर्विस भी अच्छी है यहाँ की। मैं आपको बताया है कि पहले ही बता चुकी, बहुत टाइम बाद हम बाहर आए हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा हमारे। ये हमारे अबीर हैं। ये बाहर का व्यू देखिए, ये देखिए इसका इंटीरियर इस रेस्टोरेंट का। यहाँ पेटीएम वगैरह सब अवेलेबल है। ये काउंटर है इसका, देखिए बैठने की जगह भी खचपच नहीं है, काफ़ी अलग अलग उन्होंने सीट लगाई हुई हैं, तो आप आराम से वे करते थे। अब ये फूड देखिए कितनी सारी वैरायटीज है, देखिए आप देख सकते हैं, मुझे तो नाम भी नहीं पता है इतनी सारी वैरायटीज हैं। आपको सैलेड मिल जाएंगे, फ्रेंच, इटालियन, पता नहीं कौन कौन से सैलेड हैं यहाँ अवेलेबल। हम तो यही कह के आते हैं कि भैया पास्ता और पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं। पास्ता की अलग अलग वैरायटीज़ है जो सैलेड कहलाती हैं, हमको नहीं पता है। ये देखिए कितना यमी और कितना टेस्टी है, मतलब देखने में टेस्टी है और खाने में भी टेस्टी है बहुत ही, और क्लीन भी है, काफ़ी कुछ क्लीन है और सही सब। इसमें देखो आप देखिए कितनी सारी वैरायटीज़ हैं, आप देख सकते हैं। हम लोग तो जब यहाँ आते हैं खाने के लिए अनलिमिटेड में पिज़्ज़ा नहीं खाते, हम गार्लिक ब्रेड भी नहीं खाते, मैं तो ये सैलेड ही पेट भर के खाती हूँ सच्ची में यार। प्रेड ये सैलेड बहुत ही अच्छा होता है यहाँ का। कितनी सारी वैरायटीज हैं आपके यहाँ अवेलेबल, राइस में, नूडल्स में, अगर बच्चों के साथ भी आओगे तो बच्चों के साथ भी आराम से, बच्चे भी आराम से मन से खा सकते हैं यहाँ, इतना कुछ वैरायटीज मिल जाएंगी। अगर बच्चे नूडल्स खाते हैं, नूडल्स, राइस खाते हैं, राइस, फ्रूट्स भी अवेलेबल है यहाँ, सीजनल फ्रूट भी रखते हैं, और पास्ता के अलग अलग वैरायटीज हैं, फिर स्प्राउट्स भी होते हैं। ये देखिए फूड की मैंने फोटो क्लिक की है, आप देख सकते हैं कितना यमी दिख रहा है सारा फूड, और सच में खाने में भी बहुत ही टेस्टी है।
देखिए इसका इंटीरियर देखिए, यहाँ इन लोगों ने कैसे बल्ब वगैरह लाइटिंग किया हुआ है। बड़ा ही अच्छा है, डिसेंट सा इंटीरियर है, ऐसा नहीं कुछ हाई फाई भी नहीं है, डिसेंट है। यहाँ सूप भी जो होते हैं अनलिमिटेड दिए जाते हैं, और ड्रिंक्स भी होती हैं, ड्रिंक्स मीन्स कोल्ड ड्रिंक, हाँ कोल्ड ड्रिंक है ना, वो भी अनलिमिटेड है, तो आप ऑर्डर ले सकते हैं, जो उनके पास अवेलेबल है वो आपको देंगे। देखिए कोल्ड ड्रिंक की मशीन है, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की मशीन ही बोलती हूँ। अच्छा लास्ट में होता है ये, देखिए ये सूप का है, लास्ट में यहाँ ब्राउनी विथ आइसक्रीम मिलती है, तो हमने ब्राउनी विथ आइसक्रीम भी खाई, जो सच में बहुत यम्मी होता है, ब्राउनी विथ आइसक्रीम खाइए, गरम गरम ब्राउनी होती है और ठंडी आइसक्रीम, यहाँ बहुत ही इन है। हमारा देखिए अक्षज खा रहा है ब्राउनी विथ आइसक्रीम, मगर पेट इतना भर गया है ना, ये सब मैं ही ख़त्म करने वाली हूँ ऐसा लग रहा है। हमारा अबीर तो नहीं खाता आइसक्रीम, तो ये आइसक्रीम कोई नहीं खा रहा है, मैं ही खाऊंगी। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए 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 बिल कितना आया है, आप बिल देख सकते हैं 627 बिल था। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और देखते रहिए सिंग इज किंग माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।